हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि एक हेयर पैच को लेते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए और हेयर पैच की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि देखने में सब एक जैसे हैं, तो आपके लिए कौन सा अच्छा है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप भी सीख सकें। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, मेरे हाथों में ये दो पैचेस हैं, क्या आप इन दोनों पैचेस में कोई डिफरेंस बता सकते हैं? क्योंकि दोनों में बाल हैं, दोनों देखने में बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, अगर आपको पता है डिफरेंस। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दोनों पैच देखने में सिमिलर है, आप इनको देख के डिफरेंस नहीं बता सकते, आप इनको देख के क्वालिटी नहीं बता सकते, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? इनके बेस, ये देखिए, इसका बेस ये फ्रंटलेस पैच है, ये बॉर्डर पैच है जिसे मोनोफिलामेंट भी कहते हैं। इसका क्या है, सिलिकॉन बॉर्डर होता है इसका, हर तरफ बॉर्डर, पूरा बॉर्डर बेस्ड है, और नीचे का जो ये इसका नीचे का बेस आता है, ये कपड़ा जो नेट होता है जिसमें जो ब्रीदेबल होती है, वो आपका पॉलिएस्टर नायलॉन का होता है, जिससे आप अपने सर पे लगाते हो वो हीट नहीं होता और आप कंफर्टेबली एक बार यूज कर सकते हैं। और ये जो पैच है, इसका जो नीचे का बेस है कॉटन का बेस होता है, इसके पोर्स भी ज्यादा बड़े होते हैं जिससे और ज्यादा ब्रीदेबल होता है। ये इनमें डिफरेंस होता है क्वालिटीज में। तो यही चीज आपको इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूँ कि इस पैच में, इन पैच में और बाकी जितने पैचेस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है, बालों का क्या डिफरेंस है, नीचे का बेस का क्या डिफरेंस है, मोनोफिलामेंट है तो उसमें आप कैसे करके स्टाइलिंग कर सकते हैं, अगर आपका फ्रंटलेस है तो उसमें कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं, यही सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझाएंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मोनोफिलामेंट के बारे में बताता हूँ कि मोनोफिलामेंट पैचेस में कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। तो सर, मोनोफिलामेंट मतलब बॉर्डर पैच, जिसमें पूरा बॉर्डर होता है, और आप इस तरीके से इस पैच को देख सकते हैं, जिसमें बीच में नेट होता है जिसमें से हवा अच्छे तरीके से पास होती है, और ये जो जितना भी एरिया है ये सिलिकॉन है, ये पूरा नहीं चिपकता है आपके स्कैल्प पे, सिर्फ ये जो बॉर्डर एरिया है, सर्कल एरिया, सिर्फ यही आपके स्कैल्प पे फिक्स होता है और आपके साइज के अकॉर्डिंग होता है। इसमें भी आपको क्या चीज चेक करनी है कि इन बालों का जो टेक्सचर है, टेक्सचर इन द सेंस आपके बाल किस तरीके से, पतले हैं, मोटा बाल है या पतला बाल है, स्ट्रेट हेयर्स है या वेवी हेयर्स है, कर्ली हेयर्स है, ये आपको ध्यान रखना। तो इन पैचेस में आप ये देखिएगा कि इसके टेक्सचर कैसा है, इसका मोटा बाल है या पतला बाल है, आपको वैसे वीडियो में नजर नहीं आएगा कि इसका बाल कैसा है, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके थोड़े से मोटे बाल है, थिक हेयर, ये उनके लिए काम आएगा जिनके रियल हेयर्स थोड़े से थिक होते हैं, तभी जाके अच्छे से मैच कर पाएंगे, टेक्सचर को भी मैच कर पाएंगे। और दूसरी चीज आपको कलर चेक करना है, जैसे ये दोनों पैच, ये थोड़ा सा ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, आपके नीचे के बालों का कलर कैसा है, आपको वो चेक करना है कि मेरे नीचे के बालों का कलर अगर ब्लैक है या नेचुरल ब्राउन है या गोल्डनिश कलर है, आप कोई नीचे ट्राई करते हैं तो आपको वही चीज चेक करनी है कि पैच का भी हम वही कलर मैक्सिमम ले सके। तीसरी चीज, अगर आप मोनोफिलामेंट लेते हैं, इसमें भी दो तीन क्वालिटी होती है, जैसे मोनोफिलामेंट जिसका नीचे का बेस पॉलिएस्टर का होता है, आप टच करके फील करके चेक कर सकते हैं आप उसे, कि ज्यादा मोटा ना हो नीचे का बेस, ज्यादा थिक ना हो, अगर थिक होगा वो आगे से लाइन नजर आ सकती है, ज्यादा अगर उसमें डेंसिटी होगी, हैवी डेंसिटी, अगर आप पफ करना चाहते हैं तो हैवी डेंसिटी दीजिए, आपके फेस के अकॉर्डिंग होता है, अगर आपका हैवी फेस है तो आपको हैवी डेंसिटी आपको सूट करेगी, अगर आपका पतला फेस है, आपका वी कलर शेप में है, या आपका जो लाइन आपकी परफेक्ट है तो आपको लाइट डेंसिटी एक सूट करेगी, उसमें स्टाइलिंग आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, इसका मैं आपको बता देता हूँ, मोनोफिलामेंट में आप फ्रंट लाइन इसकी ओरिजिनल जैसी ही आती है, बिल्कुल ओरिजिनल तो सर ये पैच में नहीं आता, लेकिन ओरिजिनल जैसी ही आती है, और इसमें आगे भी ना एक नेट होता है, नेट भी अगर आप फुल बैक भी करेंगे तो वो नेट विजिबल होगा, आपके ये जो नीचे का बेस है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा आपके स्कैल्प को, तो आपको वो पता ही नहीं चलता है कि आप किस तरीके से स्टाइलिंग कर रहे हैं, या कोई देख के आपको बताते वो चीज होती ही नहीं है। अगर हेयर पैच लगवा के भी आपको बताता है थर्ड पर्सन, तो इसे लगाने का सर कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ आप हेयर पैच ही मत लगाइए, अगर ये क्या, अगर आपको देख के किसी ने पहचान लिया, क्योंकि हमारा काम यही होता है कि आपको परफेक्टली सेट करके आपके हिसाब से ये हेयर पैच बना के तब आपको भेजा जाए, अगर उसे भी देख के उसमें भी फ्लॉ निकाला जाए कहीं तो आप हेयर पैच मत लगाइएगा। दूसरी चीज, मोनोफिलामेंट में भी आप देखिए, ये कॉटन बेस है, लाइट कितना पतला बेस है इसका, जितना आप पतला लीजिए वो आपके स्कैल्प पे उतना ही कंफर्टेबल रहेगा, बाकी डेंसिटी आप लाइट हैवी कोई भी ले सकते हैं। और सर, मेक श्योर कि आप जब भी पैच लें, वो पैच आपके नीचे वाले बालों के टेक्सचर से मैच होना चाहिए। मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्सचर से क्यों मैच होना चाहिए, कलर तो पॉसिबल है,
क्योंकि ह्यूमन हेयर होता है, इसलिए ह्यूमन हेयर पे कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, कलर वगैरह आप कर सकते हैं, बट अगर टेक्सचर मैच नहीं हुआ तो वो अलग अलग दिखेगा, वो जल्दी जज हो जाएगा, वो जज हो सकता है वो पैच। तो आप मेक श्योर करिए कि आपका टेक्सचर मैच पूरा हो रहा हो। दूसरा, आप जो भी रिप्लेसमेंट सेंटर पे जाते हैं, चाहे हमारे पास आते हैं या कहीं भी एनीवन एल्स, आप कहीं भी जाते हैं, मेक श्योर कि आपका जो कंसल्टेंट है आपको पूरा अच्छे से गाइड करे, गाइड करके आपका पूरा प्रॉपर मेजरमेंट ले, मेजरमेंट लेके आपका पूरा, क्योंकि अगर बड़ा साइज लगेगा तो वो भी, अगर आपके बाल इतने खाली हैं और मैं आपको इतना बड़ा पैच लगा दूं, पूरे यहाँ तक का पैच लगा दूं, वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर, क्योंकि जितना बड़ा होता है पैच उतना ही वो दिखेगा, उतना ही वो आपके नीचे वाले बालों को, एग्जिस्टिंग हेयर्स को छुपाएगा और उतना ही वो विजिबल होगा। जितना छोटा होगा उतनी अच्छे से मैच करेगा, उतने अच्छे से वो मोल्ड करेगा। मेक श्योर कि जितना आपका एरिया अफेक्टेड है सिर्फ उतने एरिया को कवर कराएं, एक्स्ट्रा हेयर्स कभी उनसे रिमूव मत करवाइए किसी भी कंसल्टेंट से या किसी भी हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर से। अगर मेरे पास भी होते हो ऐसी चीजें तो आप मुझे बताइए, हम उस चीज को सही करके लेंगे दोबारा। तो आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, आपको बताने वाले हम खड़े हैं। मैं ये वीडियो आज इसलिए ही बना रहा हूँ, प्रॉपर नॉलेज मिले आपको, आप कहीं से भी हेयर पैच खरीदें, कहीं से भी आप अपना रिप्लेसमेंट कराएं, तो आप एक अच्छी चीज, एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, और आप उस चीज को आप कह सको कि हाँ मैं ये चीज जानता हूँ, आप मुझे पागल नहीं बना सकते। इस वीडियो का मकसद ही है। सबसे पहली बात, आप प्लीज नीचे जाके पहले लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आती है। लाइक करना आप भूल जाते हैं, लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जाके भेज सकते हैं। और सर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, आप कभी, आपको हेयर पैच लगवाने का वो मन में हो या आप इस चीज को ढूंढ रहे हो, तो आप एक बार हमारे सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे सेंटर का नाम रियल हेयर हाउस है, आपको यहाँ आके एक एक्सपीरियंस आपको अलग मिलेगा, वो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। एक्सपीरियंस इन द सेंस, हम सिर्फ हेयर पैच नहीं लगाते, हम आपको पूरी नॉलेज देके वो हेयर पैच लगाते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप हमसे भी नहीं परचेज करते ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी है या वर्ल्ड में कहीं भी है, तो आपको उस प्रोडक्ट की, आप जो उस चीज को यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज हो आपको, कि आप आगे जाके कॉन्फिडेंसली कहीं बेवकूफ ना बने किसी फ्रॉड में ना फंसे। तो ये चीज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, हम पूरा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यहाँ सर्विसेज भी अवेलेबल है, हमारे यहाँ हेयर पैच रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल है, अच्छा प्रॉपर स्टाफ है, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर है, कभी आप हमारे आके ट्राई करिए सर। आप, मैं ये श्योर करता हूँ, आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप सभी एक्सपीरियंस भूलेंगे। सर इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जाके लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे जाके देखें, बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहते हैं हम, आप जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उनके लिए शेयर करिए जो हेयर पैच सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, हेयर पैच को लगवाना चाहते हैं या बॉल्डनेस से परेशान है, उन अपने लोगों को भेजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए, रिलेटिव्स को भेजिए, ताकि उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल बन सके। तो सर थैंक यू।